बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा था अजरबैजान से, जो पाकिस्तान की जो फ़्लाइट चलनी थी, डायरेक्ट फ़्लाइट लाहौर कराची से डायरेक्ट फ़्लाइट बाकू के लिए, उसके बारे में पूछा जा रहा था कि कब तक ओपन होंगी, और अजरबैजान के ई वीज़े के बारे में पूछा जा रहा था कि कब तक ई वीज़ा ओपन होगा, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। नए हैं चैनल टीच वीज़ा के ऊपर तो इसे सब्सक्राइब जी, और कोई भी सवाल है आपका आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक जरूरी बात, अगर आपने इटली का सीजनल या फिर नॉन सीजनल वीजा अप्लाई किया है तो आप दूसरा चैनल जो टीच वीजा पंजाबी चैनल है उसे जरूर विजिट कीजिए। उस चैनल के ऊपर हम डेली बेसिस पे इटली के नोलास्ता के रिलेटेड सीजनल और नॉन सीजनल वर्क वीजों के रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं, तो एक बार उस चैनल को विजिट जरूर कीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जी तो दोस्तों, बात करते हैं लाहौर और कराची से जो डायरेक्ट फ्लाइट चलनी थी बाकू के लिए। आपको मालूम है अजरबैजान की एयरलाइन और पाकिस्तान की जो पीआई है, इन्होंने मिलकर एक वादा किया था कि कराची और लाहौर से डायरेक्ट फ्लाइट जाएंगी बाकू के लिए, अजरबैजान के लिए, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अभी तक शुरू नहीं हो सका और आने वाले एक दो महीनों तक भी ये शुरू होता दिखाई नहीं दे रहा कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन इस वक्त बात करें आप अजरबैजान जाने के हवाले से, जो लोकल फ़्लाइट होती हैं, जैसे आप वाया तुर्की जाते थे या फिर वाया यूएई जाते थे या वाया कतर जाते थे, तो वो आप जा सकते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट की बात करें तो फिलहाल बंद है, शुरू ही नहीं हुई। कब तक होगी इसके बारे में भी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि दोनों ही एयरलाइन की तरफ से फिलहाल कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई कि इस डेट को हम जो डायरेक्ट फ्लाइट है पाकिस्तान से बाकू के लिए उसे ओपन करें। अब बात करते हैं ई वीजा के बारे में कि अजरबैजान का ई वीजा कब ओपन होगा, कब से आप अजरबैजान के ई वीजे के ऊपर एंट्री ले सकेंगे। अगर आप अजरबैजान की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप क्लिक करके देखेंगे कि वहां पे उन्होंने बहुत बड़ी हेडिंग में लिखा हुआ है कि कोरोना वायरस की वजह से अजरबैजान की ई वीजा सर्विसेज दुनिया के तमाम सिटीजन के लिए बंद की गई हैं। लेकिन साथ ये भी लिखा है कि अगर आप अजरबैजान में वीजा ऑन अराइवल लेकर आना चाहते हैं, जो फार्मूला वन रेस है, तो आप आ सकते हैं। आपको फार्मूला जो वन रेस है उसकी आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी। 3 दिन की रेस होगी, किसी एक दिन की आपके पास टिकट होनी चाहिए, तो आप आसानी से अजरबैजान का वीजा ऑन अराइवल हासिल कर सकेंगे। अजरबैजान का ई वीजा कब से ओपन होगा इसके बारे में भी अजरबैजान की गवर्नमेंट ने, उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है कि अजरबैजान का वीजा कब से ओपन होगा। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आगे शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नए हैं चैनल टीच वीजा के ऊपर तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सवाल है आपका आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने दूसरा चैनल टीच वीजा पंजाबी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार उस चैनल को विजिट जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।